नमस्कार, आप देख रहे हैं शूलिनी टीवी और मैं हूं अदिति। बात करेंगे इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, 27 नवंबर से सभी यूजी स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएंगे कैंपस। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लिया गया फैसला, 29 नवंबर से ऑफलाइन मोड पर लगेंगी सभी यूजी कोर्सेज की क्लासेस। शूलिनी यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का सम्मेलन। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की नॉर्थ जोन इकाई की तरफ से किया जा रहा है आयोजन। सम्मेलन में कई विशेषज्ञों के भी हिस्सा लेने की उम्मीद। शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने फिर बढ़ाया मान, 700 पेटेंट फाइल्स के आंकड़े को किया पार। शोधकर्ताओं ने रखा 1000 के आंकड़े को पार करने का नया लक्ष्य। वाइस चांसलर अतुल खोसला ने शोधकर्ताओं को दी बधाई। विधिक सेवा दिवस के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया कई कार्यक्रमों का आयोजन। लॉ स्कूल की तरफ से लगाए गए कानूनी सहायता शिविर, कई लोगों ने उठाया शिविर का लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 27 नवंबर से सभी यूजी स्टूडेंट्स के लिए कैंपस खोलने का फैसला लिया है। हमारे संवाददाता वैदेही से ज्यादा जानकारी लेते हैं इस खबर पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, 27 नवंबर से सभी स्टूडेंट्स के लिए कैंपस खोल दिया जाएगा। शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फैसला किया है कि 29 नवंबर से सभी यूजी कोर्सेज की क्लासेस ऑफलाइन होंगी। आपको बता दें कि मास्टर्स कोर्सेज की क्लासेस पहले से ही ऑफलाइन मोड पर चल रही हैं, लेकिन यूजी कोर्सेज की क्लासेस अभी तक ऑनलाइन मोड पर चल रही थी, जिन्हें 29 नवंबर से पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड पर कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के साथ ही स्टूडेंट्स के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। यूजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी आने से पहले कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवानी होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को नेगेटिव आरटीपीसीआर भी अपने साथ लानी होगी। शूलिनी यूनिवर्सिटी में नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का सम्मेलन होने जा रहा है। अदिति से जानते हैं क्या कुछ रहेगा खास इस सम्मेलन में। नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटीज के करीब 50 वाइस चांसलर्स का सम्मेलन 26 और 27 नवंबर को शूलिनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होने जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालय संघ की नॉर्थ जोन इकाई की तरफ से किया जा रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला के मुताबिक सम्मेलन के दौरान शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से अनुसंधान गतिविधियों, नवाचारों और नीतिगत पहल को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति सम्मेलन का असल उद्देश्य होगा। ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक और सम्मेलन के कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर एस चंदेल ने कहा कि सम्मेलन में कई विशेषज्ञों के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर अनुसंधान और पेटेंट से जुड़ी हुई है। तुषार से जानते हैं कि आखिर वो क्या अच्छी खबर है जो हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 700 पेटेंट फाइलिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। अक्टूबर में यूनिवर्सिटी की तरफ से डिज़ाइन और कॉपीराइट के लिए 40 पेटेंट टायर किए गए थे। पेटेंट प्राधिकरण की तरफ से अब तक डिज़ाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क समेत 90 पेटेंट प्रदान किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने 31 मार्च 2022 तक और 350 पेटेंट दाखिल करने का लक्ष्य रखा है, ताकि यह आंकड़ा 1000 के निशान तक पहुंच सके। स्टूडेंट की इस उपलब्धि पर
वाइस चांसलर अतुल खोसला ने स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर को बधाई दी। आपको बता दें कि शूली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए 2021 में 400 पेपर का आंकड़ा भी पार कर लिया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने अब तक 411 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और इस साल दिसंबर तक 450 शोध पत्र प्रकाशित करने का लक्ष्य है। तुषार, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधिक सेवा दिवस के मौके पर शूली यूनिवर्सिटी की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मानसी का, जो हमें इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने जा रही है। 8 से 14 नवंबर तक चलने वाले विधि सेवा संस्थान के मौके पर शूली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ के तहत से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रमों के तहत सुल्तानपुर और ओजघाट में कानूनी सहायता शिविर भी लगाया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडा अधिकारी सह संचिव कपिल शर्मा ने की। इस कार्यक्रम का आयोजन शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के प्रमुख डॉ. नंद शर्मा की तरफ से किया गया था। कार्यक्रम में सहायक सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य और अधिवक्ता शामिल हुए। अब हमारे संवाददाता सिमरन हमें इस महीने के आखिर में आयोजित होने वाले एक अहम साहित्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने जा रही है। आइए जानते हैं क्या रहेगा इस कार्यक्रम में खास। शूली यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी विभाग 14 नवंबर से विश्व के बहुजातीय साहित्य के अध्ययन के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। सम्मेलन में भारत, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पोलैंड, तुर्की, इटली, हांगकांग, कनाडा, यूके और यूएस समेत करीब 14 देशों के लगभग 85 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अंग्रेजी विभाग की प्रमुख और सम्मेलन की संयोजक प्रोफेसर मंजू जयदेका के मुताबिक यह सोसाइटी भारत में अपनी तरह की अग्रणी शैक्षणिक संगठनों में से एक है, जो हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिलती है। और अब पेश कर रहे हैं एक टैलेंट वीडियो। इसे पेश कर रहे हैं सहबाज, जो तानसेन की खोज प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहे। अनामिका की तरफ से रेडियो शूलिनी की सूची। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले डिजिटल गेड़ी आरजे साकेत द्वारा, हफ्ता वसूल आरजे नूर द्वारा, रूबरू आरजे रंजना द्वारा और अंत में हटके छटके आरजे सिमरन द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाइए, इन्हें सुनिए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते।